परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर रघुकुल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगन माता श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिक महोदय, श्रद्धालु गुरु भाई एंड गुरु माताएं और अन्य भी जो इस सत्संग में आए हैं उनको मेरा आंतरिक जय गुरु। आज मैं ऐसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि क्या हम सब किसी फैक्ट्री के मालिक हैं? लोगों को लगेगा कि नहीं, फैक्ट्री कहां हम चलाते हैं, हम कहां कुछ ऐसा बनाते हैं, लेकिन बात यह है कि हम सभी एक फैक्ट्री के मालिक हैं। इस फैक्ट्री में क्या बनता है, तो पहले विचार बनते हैं। जो विचार हम बना रहे हैं उसके बारे में हमें ख्याल ही नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता है कि विचार दिन रात बन रहे हैं। हम हल्दीराम जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि उनका स्वाद दिन ब दिन वैसा ही रहता है, क्योंकि वो क्वालिटी चेक करते हैं। मारुति कार जो बनती है उसको देखते हैं, हर एक मॉडल जो आया है वो हर एक कार उसी तरह उसी क्वालिटी चेक से होके गुजरता है। तो हम ये कहते हैं कंपनी वही अच्छी है जिसमें क्वालिटी चेक भरपूर और बढ़िया होता है। तो हम भी अपने विचारों के फैक्ट्री को अगर देखें तो क्या हम इसमें क्वालिटी चेक करते हैं? नहीं कर पाते हैं। कुछ के कुछ विचार आते हैं और विचारों का महत्व बहुत है, क्योंकि पहले कुछ भी करने के विचार आते हैं अंदर, बाद में हम उसको कार्य में परिणत करते हैं। पहले हम सोचते हैं रोटी बनाना है या चावल बनेगा, पहले दिमाग में आता है, उसके बाद हम उसको कर डालते हैं। तो विचार जो है वो सही आए तो काम भी सही होगा। अब विचारों के बारे में देखें तो विचार मन से उत्पन्न होता है। गीता में भी इसी तरह कहा गया है कि जितने ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, इनके ऊपर है मन, और मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है आत्मा, और आत्मा के ऊपर है परमात्मा। तो हम यहां बात कर रहे हैं विचार कैसे सही आए, तो ये आने के लिए पहले आदर्श, उनकी शरणागति हुई, सबसे ऊपर में परमात्मा, उनकी शरणागति हमने की तो हमारे विवेक जो बुद्धि है हमारी वो सही रहेगी। बुद्धि सही रहेगा तो हमारे मन को कंट्रोल कर पाएगी ये बुद्धि हमारी। जब मन कंट्रोल में होगा तो हमारी इंद्रियां भी वही कार्य करेंगी जो अच्छी है, और जब अच्छे कार्य करेंगे तो उसका फल भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। हम गलत करेंगे तो गलत तो मिलना ही ना हमें, तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि हम शरणागति ले, ठाकुर जी से जुड़े, और जुड़ने के बाद अपने आप हमारे जीवन में बचने और बढ़ने के लिए जो जरूरी है वो विचार आने लगते हैं। क्योंकि जो नाम हमें मिला है, सतनाम मिला है, उस सतनाम से हम ठाकुर जी से जुड़ते हैं, वही प्रेम बंधन है हमारा और ठाकुर जी का। अब बात है कि हम केवल खुद को अच्छा करके प्रसन्न हमेशा नहीं रह सकते हैं। नवकिशोर दा ने अभी बहुत अच्छा बताया कि हमें अपने परिपार्श्विक के लिए भी करना है। अकेले ठाकुर जी ये नहीं बोले कि अकेले ही उन्नति करो, सबके लिए करना है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं बोलना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक घर में चूहा था। चूहे ने देखा कि घर की जो मालकिन है उसने चूहादानी लाई है, तो उसने जाके चूहे ने कबूतर को बोला कि सुनो भाई, इस घर में चूहेदानी आ गई है, अब तो बहुत डरने की बात है। कबूतर हंसने लगा, बोला कि ये तो तुम्हारे लिए दिक्कत की बात है, मैं क्यों डरूं। जाके मुर्गे को भी उसने बोला कि भैया तुम भी इस घर में रहते हो, देखो चूहादानी आ गई है। वो भी हंसा और बोला कि तुम जानो, तुम्हारे ऊपर समस्या आएगी। चूहा क्या करता है, अगले दिन की बात है, जो घर की मालकिन थी उन्होंने चूहेदानी में वो रखा, रोटी लटका के रखा या जो भी, उसमें गलती से एक सांप फंस गया और उसका पूंछ बाहर निकला हुआ था, छोटा ही पूंछ बाहर निकला था। जो मालकिन थी उनको लगा वाह चूहा फंस गया है, खोला
ये नहीं सोचा कि अंदर सांप हो सकता है। वो उसकी पूंछ को पकड़ी, सांप निकला, सांप ने डस लिया। सांप ने डसा, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने उपचार किया और बोला कि इनके स्वस्थ होने के लिए कबूतर का इनको सूप चाहिए। तो अब कबूतर को मारा गया। उसके बाद घर में उनकी अस्वस्थता के बारे में जब जानकारी घर परिवार में हुई, बाकी लोग भी आए। अब उसमें मुर्गे को भी काटा गया कि अब तो दावत होगी, लोग आ रहे इतने, उनके आदर सत्कार में ऐसा किया, तो मुर्गा भी गया। लेकिन इन सब में चूहा बच गया, चूहा चला गया। तो इस कहानी से ये सोचिए कि दिक्कत थी चूहे की, उसको सबने नेगलेक्ट कर दिया कि इसकी समस्या, इससे मेरा क्या। लेकिन उस समस्या को अगर कोई सुलझाता तो सब बचते। हम लोग भी यही, ठाकुर जी ने यही बोला है कि हम सब जुड़े हुए हैं। अपने परिपार्श्विक को अगर हमने बचाना नहीं अपना कर्तव्य समझा, उनको बढ़ाना अपना कर्तव्य नहीं समझा, तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम खुद भी सतमार्ग में चले और अपने परिपार्श्विक, अपने घर परिवार में, अपने पड़ोसी में, अपने समाज में, अपने देश वासियों के लिए, विदेश में भी, मतलब कहीं लिमिट ही नहीं है, जहां हो सकता है हम ऐसा कार्य करें कि उनके भी उन्नति, बचने बढ़ने का मार्ग खुले। जब हम ऐसा करते हैं तो जितना बड़ा हमारा उद्देश्य होता है, हमारी शक्तियां भी उसी तरह आती हैं। मैं एक मजदूर जैसे ईंट लगा रहा है, एक आदमी हो सकता है ये जवाब दे कि मैं तो बस ईंट लगा रहा हूं। दूसरा हो सकता है बोले क्या कर रहे हो तुम, तो वो बोलेगा मैं एक दीवार खड़ा कर रहा हूं, मंदिर निर्माण हो रहा है। लेकिन तीन मजदूर तीन जवाब दे सकते हैं। एक बोलेगा मैं तो ठाकुर जी का मंदिर बना रहा हूं। तो काम वही कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य तीनों के दिमाग में अलग है। जो मंदिर बनाने के विचार से उसको कर रहा है, उसके जीवन में शांति, उसमें उतना ही उत्साह रहेगा। तो हम सब जीवन में ठाकुर जी का ही कार्य कर रहे हैं, चाहे हम घर परिवार संभाल रहे हो, चाहे हम रसोई संभाल रहे हो, अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो, सब काम उन्हीं का है। जब हम ये सोचें कि हम कौन हैं, ये सही ढंग से पहचाने कि हम तो उनके सेवक हैं, हम बस सेवा में लगे हैं और उन्हीं का कार्य है, तब हमारे जीवन में भी शांति रहेगी। दुख तो आएगा ही, गीता में भी ऐसे लिखा है, दुख आएगा और सुख भी आएगा। ये दोनों क्या है, सुख और दुख जो है दोनों इंद्रियों से ही पता चलता है। गर्मी होती है, हमारी त्वचा स्किन बोलती बहुत पसीना आ रहा है, उसी से हमको पता चलता है कष्ट है। लेकिन जो आग की भट्टी में काम करता है वो बोलेगा कि अरे अभी तो बस 40 डिग्री है, उसी में तुम लोग परेशान हो, मैं देखो उतने में जाता हूं, मुझे 40 डिग्री में ला दो, मैं बोलूंगा वाह बहुत बढ़िया है। तो ये केवल इंद्रिय जो बताते हैं उसके अनुसार हम मान लेते हैं कि सुख है दुख है। तो इंद्रियों को ऐसे ही सहने की शक्ति दे। ठाकुर जी ने भी ऐसे ही बोला है कि शरीर को मन को ठोस बनाना है। हम हमेशा आराम खोजते रहेंगे वैसे नहीं, अपने आप को सुदृढ़ करना है। दूसरों के लिए हम सेवा के लिए तैयार रहे, उसके लिए जरूरी है अपने आप को ठोस करें। ठाकुर जी से इतना कुछ सीखने को मिलता है, नवकिशोर दा ने बताया अभी कि कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए उन्होंने, अपने माता पिता से कैसे प्रेम करें, आचरण उनका देख के हम अपने अंदर लाना चाहते हैं। अभी वर्तमान आचार्य हमारे सामने है, उनको भी जाके हम देखेंगे, समझ में आएगा कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे आनंद में रहते हैं। जिंदगी सब जीते हैं, समय के साथ सब उम्र सबकी निकल रही है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कार्यों को, किस भावना से कर रहे हैं, उसी में सब अंतर है। एक बच्चे को मां लेके 1 किलोमीटर चल जाएगी, लेकिन उसको एक ईंट दे दिया जाए, 2 ईंट दे दिया जाए, बोले कि नहीं आप लेके चलो अपने गोद में, उसको लगेगा भार है, फेंक देगी वो। इतना 1 किलोमीटर चलना है, कुछ ईंट लेके, कुछ फालतू सा सामान लेके चलना है, थक जाएगी, नहीं हो सकता है उससे। क्योंकि बच्चे से प्रेम है तो हो जाता है सब कुछ। वैसे ही प्रेम करना सीखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ लेके चलेंगे हम। और बात मैंने शुरू की थी विचारों से, बात फिर मैं वहीं पे अभी एंड करूंगा। तो विचार जो है
गलत विचार जब आते हैं हमारे मन में, उनको भी लेके हम चलते हैं, तो वो वैसे ही है जैसे सड़क पे जा रहे हैं, इधर देखा दो ईंट है उसको भी रख लिया, लोहे का कोई सामान गिरा हुआ उसको भी रख लिया, जाना है दूर। अगर इस तरह करते चलेंगे तो क्या होगा, हम थक जाएंगे। तो जरूरी है जो जरूरी चीज है जिंदगी में उसको पहचान के और उसके साथ चलना, तो हम हल्के रहेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। नवकिशोर दा ने वही बोला कि आचार्य को ग्रहण करके, सदगुरु को ग्रहण करके अगर हम चलेंगे तो हम कितनी दूर जा सकते हैं इसका ठिकाना भी नहीं है, पता भी नहीं है। भारी पत्थर लेके तैरने जाएंगे डूब जाएंगे। तो उसी तरह जो हमारे जीवन में बचने बढ़ने के लिए जरूरी है उस चीज को लेके हमें चलना है, बाकी जो व्यर्थ चीजें हैं हमें उनसे बच के रहना है। जैसे कि तालाब में या कीचड़ में पंकज या कमल जो उगता है उसके पत्ते पे देखिए कुछ कीचड़ नहीं आता है, वैसा ही हमें भी बनना है। वो बनने के लिए जरूरी है हम जाने कि हम कौन है। मैं ये सोचता हूं कि मैं एक बड़ा इंजीनियर हूं, मैं एक बड़ा डॉक्टर हूं, तुरंत अकड़ आ जाती है कि मैं तो साहब हूं, मुझे कोई सलाम करे, जाऊंगा तो मुझे कुर्सी मिले बैठने को, कोई अगर गलत ढंग से बात कर लेगा तुरंत मैं तमतमा जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने अंदर अहंकार भर लिया। तो अपने आप को सही नहीं जानने के कारण मुझे ठेस लगेगी। मैं अपने आप को अगर मैं सोचूं कि नहीं मुझे नाचना नहीं आता है, आप में से कोई बोल देगा आप नाच के दिखाएं, तो शायद मुझे लगे मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गाना गाना जानता हूं, मुझे कोई बोले तो मैं गा लूंगा, क्योंकि मैं मन में ये विचार रखता हूं मैं कौन हूं, मैं गायक हूं, मैं गा सकता हूं। उसी तरह हम क्या है इसकी पहचान होनी चाहिए, जो कि ठाकुर जी हमें नित्य बताते हैं। सुबह स्वतानुज्ञा करते हैं हम, क्या बोलते हैं कि मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, काम लोभ जीत वशी, मैं इष्ट प्राण सेवा पटु, अस्ति वृद्धि याजन जैत्र, और भी है एक दो लाइन है, तो परमानंद मतलब मैं लय में बोलूंगा तो आएगा, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, काम लोभ जीत वशी, मैं इष्ट प्राण सेवा पटु, अस्ति वृद्धि याजन जैत्र, परमानंद उद्युक्त शक्ति समृद्ध, तुम्हारी ही संतान, प्रेम पुष्ट चिर चेतन, अजर अमर, मुझे ग्रहण करो, प्रणाम लो। तो जी हर दिन बोलने क्यों बोला गया है, ठाकुर जी ने एक रास्ता दिखाया है कि जब हम बोलेंगे इसको अनुप्राणित करना, अपने मन पे इसको बिठाना कि मैं कौन हूं, ये सारा हूं। जब मैं क्रोधी अपने आप को मानने लगूंगा तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि मैं सोचूंगा क्रोध तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। वैसे ही जैसे कि मैं डांसर नहीं हूं तो मैं तो मुझे बोल देगा कोई डांस करने मैं नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्रोधी हूं तो मुझे क्रोध भी नहीं आएगा। उसी तरह मैं इष्ट प्राण हूं ये मान लिया तो मैं अपने आप इष्ट के लिए ही अपने जीवन को न्यौछावर करूंगा, उसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा। रास्ता यही है, इसी तरह हम अपने कैपेबिलिटीज, हम क्या कर सकते हैं इसको भी जानते हैं। जब हम ये जानेंगे कि हम कैसे किसी चीज को सीख सकते हैं तभी हम दूसरों को भी बता पाएंगे। यहां अधिकतर जो लोग हैं सब परिवार वाले लोग हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे होके निकले, हमारा परिवार अच्छे से रहे, तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहली चीज कि मैं कैसे अच्छा रहूंगा, मैं अगर अच्छा नहीं रहूंगा मैं कैसे बताऊंगा, मैं ये कैसे रास्ता ढूंढ पाऊंगा कि सब अच्छे रहे, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ ले इसके लिए जरूरी है, या अच्छी चीजें सीख ले जरूरी है, ये जानना कि कोई चीज हम कैसे सीखते हैं। मुझे अगर पता होगा कि मैं कैसे कोई चीज सीखता हूं, मेरे से बेहतर ये नहीं जानता मैं कैसे किसी चीज को सीखता हूं, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ता है। नाम ध्यान करते हैं तो यही पता चलता है कि मैं कैसे कोई चीज को समझ रहा हूं, मेरी त्रुटियां क्या है। मैं जब समझ जाता हूं कि कैसे सीख सकता हूं, कैसे आगे बढ़ सकता हूं, तब मैं जानूंगा मैं अपने बच्चे को कैसे सिखा सकता हूं, और मेरी जो खोज है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, उसके लिए सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु हमें बताते हैं, जो रास्ता दिया है, जो अनुशासन है उसमें हम चलते हैं, तो पता चलता है कि मैं कौन हूं, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए, ये रास्ता प्रशस्त होता है। तब हम अपने परिपार्श्विक को भी वो चीज बांटे, अपने पास ही रख लिया तब तो बोझ के अंदर मर जाएंगे। अमेज़न वाला आता है हमारे यहाँ डिलीवरी करता है,
अगर वो सारा सामान डिलीवर ही नहीं करे वो तो चल ही नहीं पाएगा, उसके पास सारा भंडार हो जाएगा, बाइक पे लेके चल भी नहीं पाएगा। अपना कार्य भी ऐसा है, प्रभु की दुनिया है, सब कुछ प्रभु का है और हम तो बस यहाँ पे उनका काम करने आए हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। कलम बोले कि मैं लिखता हूं सब कुछ, जितनी कहानियां हैं, जितने पोयम हैं, मैं लिखता हूं, तो यह गलत है। लिखने वाला तो कोई और है, तो हम भी बस वो कलम ही हैं। इस चीज को जानने से आंतरिक शांति मिलती है, हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बोझ हट जाते हैं जीवन में। कंफ्यूजन जो होता है, हम कहां जाएं, क्या करें, ये समस्या आ गई है, अब कैसे आगे बढ़े, उसमें यही तो दिक्कत है, क्योंकि हम सोच नहीं पाते हैं सही ढंग से। तो अपने जीवन में मेरा सोच ये है कि इतनी देर क्यों लगा दी मैंने गुरु को खोजने में, इनके शरणागति लेने में इतनी देर क्यों लगाई, आज की आज जरूरी है। यही चीज श्रीमद् भागवतम में भी आती है, जब बोलते हैं प्रहलाद महाराज, उनकी एक बात है, वो बोलते हैं कौमारे आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम मोक्षदम। मतलब कि कुमार अवस्था से, जब हम बच्चे हो ना, तभी से इस भागवत धर्म का पालन करना है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिला है हम लोगों को। ये बात अगर ना भी समझ में आए तो ये देखिए कि लेट होता जा रहा है। आपको कोई चीज अच्छी जानकारी मिलती है, लगता है कि पहले मिली होती तो अच्छा होता, पहले मिली होती तो मैं ये चीज कर लेता। मैं अभी सोचता हूं कि मैं बढ़िया से गिटार सीखूं, लेकिन अभी बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। मुझे लगता है बचपन में ही कोई सिखा दिया रहता कितना अच्छा था। तो वैसे ही ठाकुर जी को जितनी जल्दी पकड़े अपने जीवन में उतना कल्याण होगा। मैं आज भी कई बार रोता हूं कि मैंने देर कर दिया, कितनी सारी चीजें सोच के लगता है कि कहां भटक रहा था, एक चीज पकड़ना है और आगे बढ़ना है। पहले बस ये मान ले कि जैसे माता पिता को घर में मानते हैं, वैसे ही मेरे घर में एक और सीनियर आ गए हैं, एक और जिनको मैं मानूंगा, आदर करूंगा, वो है ठाकुर जी। ऐसे ही मान के चले उनकी बातों को जीवन में ला के देखें, धीरे धीरे लगेगा कि नहीं, ये मात्र हमारे परिवार के सदस्य नहीं, ये देवता तुल्य है। उसके बाद और पता चलेगा कि नहीं, इन रहस्यों के भी ऊपर है। तो शुरुआत ऐसे ही करना होगा। ये इतनी जरूरी चीज है, आप लोगों ने इतना समय दिया, ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहूंगा कि सतनाम से जुड़ के ठाकुर जी को अपने जीवन में ग्रहण करें और आनंद की प्राप्ति करें। जय गुरु।